हेलो फ्रेंड, दिस इज सीए कमलेश कुमार चौरसिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन सा एसएससी कौन सी रिटर्न फाइल करेगा। वाइटर 1 फाइल करेगा, 2 फाइल करेगा, 3 फाइल करेगा, 4 फाइल करेगा, 6, 7, कौन सा एसएससी कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, ये जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं आईटीआर 1 से। आईटीआर 1, इसको हम सहज फॉर्म भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं आईटीआर 1 कौन कौन से लोग फाइल करते हैं। बेसिकली आईटीआर 1 इंडिविजुअल फाइल करता है। कौन सा इंडिविजुअल? जो रेजिडेंट है। अदर देन नॉन रेजिडेंट भी ये नहीं फाइल करता, ओनली रेजिडेंट फाइल करता है। जिसकी इनकम है कहां से? सैलरी से इनकम है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी है या अदर सोर्सेस इनकम है, और अप टू 50 लाख है, ऐसे एसएससी आईटीआर 1 फाइल करते हैं। या अगर ये एसएससी कहीं पे एज ए डायरेक्टर है, किसी कंपनी के डायरेक्टर है या किसी कंपनी में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल ये आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे एसएससी जिनकी सैलरी से इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और अप टू 50 लाख रुपीज है, ऐसे ही लोग इनकम टैक्स के रिटर्न आईटीआर 1 फाइल करेंगे। और हाँ, अगर उनकी इनकम कुछ एग्रीकल्चर इनकम आती है अप टू 5000 तो भी आईटीआर 1 फाइल करेंगे। अगर इनकम इनकी अप टू मोर देन 5000 एग्रीकल्चर इनकम है तो आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे। तो अब हम बात करते हैं आईटीआर 2 के बारे में, कौन कौन से एसएससी आईटीआर 2 फाइल करते हैं। आईटीआर 2 वो एसएससी फाइल करता है जिनकी इनकम होती है अदर देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इट इज एप्लीकेबल फॉर द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। जो जो एसएससी जिनकी इनकम अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशंस होती है, वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, वो आईटीआर 2 फाइल करते हैं। अगर कोई एसएससी किसी कंपनी में डायरेक्टर है या कोई एसएससी किसी कंपनी में के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को इन्वेस्ट कर रखा है, सब्सक्राइब किया हुआ है, ऐसे लोग आईटीआर 2 फाइल करते हैं। या किसी की एसएससी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 रुपीज है तो वो आईटीआर 2 फाइल करेगा। या मोर देन, ऐसे एसएससी जिनकी मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, वो आईटीआर 2 फाइल करेगा। दोस्तों, बेसिकली आईटीआर 2 इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आईटीआर के, आईटीआर 3 और 4 के बारे में। दोस्तों, आईटीआर 3 से पहले मैं आईटीआर 4 के बारे में बात करना चाहता हूं। आईटीआर 4 बेसिकली क्या है? उन एसएससी के लिए जिनकी बिजनेस इनकम है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, नॉट एलएलपी, अदर देन एलएलपी। ऐसे पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनकी बिजनेस इनकम है लेकिन वो बुक्स मेंटेन नहीं करते, ऐसे लोग आईटीआर 4 फाइल करेंगे। जैसे लेकिन इनकी इनकम 50 लाख रुपीज से एक्सेस नहीं होना चाहिए। जो एसएससी प्रोफेशनल है, जो बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, नॉन प्रोफेशनल है, बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, अंडर सेक्शन 44 AD, ADA या 44 AE में कवर होते हैं, ऐसे एसएससी आईटीआर 4 फाइल करते हैं। और ध्यान रहे, अगर ये एसएससी किसी कंपनी में डायरेक्टर है या किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ऐसे लोग आईटीआर 4 फाइल नहीं करेंगे, फिर ऐसे लोग आईटीआर 3 पे चले जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं आईटीआर 3 के बारे में, कौन कौन से एसएससी आईटीआर 3 फाइल करते हैं। आईटीआर 3 जिनकी इनकम, जिन एसएससी की इनकम इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, जो एसएससी इंडिविजुअल है या एचयूएफ है जिनको बिजनेस इनकम होती है, प्रोफेशनल इनकम होती है, ऐसे एसएससी आईटीआर 3 फाइल करेंगे। जो कहीं भी कवर नहीं हो रहा है आईटीआर 1 में, आईटीआर 2 में, आईटीआर 4 में, वो आईटीआर 3 में कवर होगा। जो एसएससी जिनकी बुक्स होती है, बुक्स राइटिंग होती है, जिनका टैक्स ऑडिट होता है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, ऐसे लोग आईटीआर 3 फाइल करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आईटीआर के बारे में कि नेक्स्ट आईटीआर कौन सा है। हमारा नेक्स्ट आईटीआर है 5। आईटीआर 5 कौन कौन से एसएससी फाइल करते हैं। आईटीआर 5 बेसिकली पार्टनरशिप फर्म के लिए है,
बीओआई के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, ऐसे ऐसे लोग आईटीआर 5 करते हैं, इंक्लूडिंग एलएलपी। एलएलपी भी आईटीआर 5 फाइल करता है। जो एसएससी आईटीआर 6 में नहीं फाइल करते, आईटीआर 7 में नहीं फाइल करते, ऐसे एसएससी आईटीआर 5 में फाइल करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आईटीआर के बारे में, आईटीआर 6। बेसिकली कंपनीज इसमें कवर होती है, जितनी भी कंपनीज है वो अपनी आईटीआर 6 में फाइल करती है। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आईटीआर के बारे में, आईटीआर 7 के बारे में, कौन कौन से एसएससी आईटीआर 7 में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। ऑल द एसएससी जो अदर देन इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या पार्टनरशिप फर्म है, वो सब आईटीआर 7 में फाइल करते हैं। जैसे कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है या कंपनीज है जो सेक्शन 25 ओल्ड कंपनीज एक्ट में कवर होती थी, या सेक्शन 8 में जो न्यू कंपनीज एक्ट में है, जो कंपनीज ऐसी बनती है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग होती है, ऐसे कंपनी आईटीआर 7 में अपनी रिटर्न्स फाइल करती है। या कोई इंस्टीट्यूशंस है, कोई यूनिवर्सिटीज है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, कोई और संस्थाएं हैं जो कहीं और कवर नहीं होती है, जिनका जो अपनी रिटर्न फाइल करती है अंडर सेक्शन 1394A से लेकर अंडर सेक्शन 1394F तक, ऐसी एसएससी आईटीआर 7 अपनी रिटर्न फाइल करती है। इट इज ऑल अबाउट आईटीआर। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी तरह का टैक्सेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज है, हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। जय हिंद।